हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अपडेट आ रही है सेल की तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे एमटीटी मैनेजमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट निकल चुका है और ये गेट 2019 के साथ जुड़ा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके नोटिफिकेशन में ये हमें बताई गई है कि पहले अप्रेंटिस कराया जाएगा। एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961, पहले जिसका सिलेक्शन होगा उसको अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा और उसके बाद E1 ग्रेड के अंदर तो नौकरी लगने ही वाली है। गेट 2019 के थ्रू यहाँ पे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। डिटेल में इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या है खास, और हर एक चीज, हर एक डिटेल बताऊंगा। बस आप आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ, सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए। जैसा मैंने बताया, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एमटीटी मैनेजमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट निकल चुका है। E1 ग्रेड के अंदर सेल के अंदर परमानेंट सरकारी नौकरी, परमानेंट सर्विस आपकी लगने का है। CTC बहुत अच्छा, साल का 9 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन ये रिक्रूटमेंट हो रहा है गेट 2019 के थ्रू। गेट 2019 का अगर आपने पेपर दिया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो गेट 2019 का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो सब चीज डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने गेट 2019 का एग्जाम दिया है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, मेटलर्जी से, केमिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, माइनिंग से, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट मैकेनिकल में 66 है, मेटलर्जी में 7 सीट है, 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 41 है, केमिकल में 10 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 और माइनिंग में 3 वैकेंसी, 3 पोस्ट या 3 सीट है। 142 पोस्ट, 142 वैकेंसी हम बोल सकते हैं सेल में एमटीटी की इस साल 2019 में निकली है। अनरिजर्व है 59, EWS के लिए है 14। गेट 2019 का अगर आपने एग्जाम दिया है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल वाली अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांच है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है इसमें जो जो ब्रांचेस मेंशन की गई है वह सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि गेट 2019 का आप एग्जाम मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग इनसे दिए हों। एज लिमिट यहाँ पे 28 साल रखी गई है एज ऑन 14/6/2019। 14/6/2019 तक आपकी उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 14/6/1991 के बाद अगर आप जन्मे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC EWS के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है डिग्री है वो तो जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन 65% के साथ पास आउट, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर, हर सेमेस्टर का एवरेज 65% होना चाहिए। सिलेक्शन गेट 2019 के स्कोर के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर GD और PI होने का है। रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी ना गेट की आपको। ट्रेनिंग 1 साल की होगी, पहले आप अप्रेंटिस करेंगे एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961, और उसके बाद E1 ग्रेड में आपकी नौकरी लग जाएगी। सैलरी आपको स्टार्टिंग में 20,600 प्लस TADHRA मिल जाएगा, और उसके बाद फिर 24,900 TADHRA मिल जाएगा। CTC 9 लाख के आसपास जाने का है। फॉर्म भरने की फीस 700 रुपीज रखी गई है। SC ST EWS के लिए सिर्फ 100 रुपीज फीस रखी गई है। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 25/5/2019 से और चलने वाला है 14/6/2019 तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट का एग्जाम दिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूँ, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।